बुद्धि का दुरुपयोग करने से घर में कला, अपनी तबियत में गड़बड़, जैसे खाया खाना पचाना पचा और दूसरा खाया तो आम बन गया। इधर सूरत में आम की तकलीफ वाले बहुत है, पेट की खराबियां, पचे दाए ना पचे जू एटले दे धड़ा बकरी नी जेम चालू थी गया। कब खाना, कितना खाना, क्या खाना क्या ना खाना, ये बुद्धिपूर्वक खाए तो तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन दिखा और ले ले खाई वहां दुनिया में, अभी नहीं लोग 42 साल के बाद बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, बीमारियां आएंगी। भोजन के बीच गुनगुना पानी पिया करो, आधा हिस्सा भोजन, चौथाई हिस्सा पानी, चौथाई हिस्सा पेट खाली रहे, तबियत अच्छी रहेगी। ठास ठास के खाए फिर बोलो ओ एसिडिटी हो गई। चाह पिए, उद्यू खाए, तड़ेलू खाए, अपाक खाए, गड़ियों खूब खाए, चिकनू खूब खाए। यहाँ आंतों का सूजन, मेरे को वैद्य ने बताया, यहाँ पर सूरत में आंतों का सूजन, पेट की खराबी, आम की तकलीफ बहुत ज्यादा है। तो अपने साधक जो सुन रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट से भी जो सुन रहे हैं, तो इधर के लोगों अगर तंदुरुस्त रहना चाहे तो तुलसी के 5-7 पत्ते चबा के सुबह खा लिया करें, फिर पानी पिए, और पानी बार बार ठंडा पानी न पिए। पानी की ठंडक जठरा को मंद रखती है। और भोजन अथवा खाने की चीज बार बार न खाए, एक बार आप मुंह शुरू करते तो पाचन रस इश्यू हो जाता है। फिर आप 10 ग्राम खाए चाहे पूरा भोजन खाए, लेकिन पाचन जैसे मशीन चलता ना खटाखट, वो 500 मिलीग्राम की थैली भर ले, फिर थैली 10 मिलीग्राम की हो चाहे 10 किलो की हो, वो 500 पटक देगा। ऐसे ही पाचन रस एक बार पटक देता है, जीभ पर कोई चीज आए तो पाचन रस उतना स्टॉक शुरू निकल जाता है। तो बार बार खाने से आपका पाचन रस अधिक खर्च हो जाएगा, तो बुढ़ापे में अजीर्ण हो जाएगी। तो जो दिन में 2 बार, एक सुबह दोपहर को तो एक बार खा लेते, एक बार शाम को या रात को खा लेते, वो लंबा जीने में और पचाने में अच्छे रहते। बार 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 खाना बकरी की नहीं, वो लोग जल्दी बीमार होते। तो आंतों का सूजन, कच्चा रस, पेट की तकलीफें हैं तो पेट की गोली से पेट की तकलीफें मिटाओ। कम खाकर पेट पर वजन कम डालो। बड़ा तीक्ष्ण विद्यार्थी है, लेकिन चिकना चपाटा ज्यादा खाएगा ना तो वो भी धीरे धीरे उसकी बुद्धि दबू हो जाएगी। विद्यार्थियों को भी ज्यादा ठांस ठांस के नहीं खिलाओ। बालकों ने ठांसी ठांसी खा रहा हो तो उनकी बुद्धि दबाई रहे। सात्विक खुराक, हफ्ते में एक दिन उपवास, नहीं तो 15 दिन में कड़क उपवास आरोग्य के लिए वरदान है। तत्विधि प्रणिपाते न, विधि सहित जाकर महापुरुषों के शरण जाओ तो बुद्धि बढ़े। जिस बुद्धि में भगवान का सुख, भगवान का ज्ञान और भगवान का माधुर्य प्रकट हो, अथवा तो पेट की तकलीफ मिटाने के लिए दूसरा एक प्रयोग है, देसी अजवाइन 10 ग्राम, काला नमक 250 ग्राम, और हिंग, उनको पीस कर 1-1 ग्राम सुबह और शाम गर्म पानी से ले तो पेट की बहुत सारी गड़बड़ियां दूर हो जाएगी। आंख में दर्द होता हो, खुजली होती हो, अथवा मोतिया आने वाला हो तो गाय का ताजा गौमूत्र 2-3 बूंद आंखों में डालो, 40 दिन मोतिया आने से बच जाएगा, मोतिया की तकलीफ से बचा हो जाएगा। दमा, जुकाम, रक्तचाप आदि में आधा चम्मच फुलाई हुई फिटकरी के साथ, के चूर्ण के साथ गौमूत्र थोड़ा पान करो, इससे भी फायदा हो जाएगा।
कब्ज जात है तो गौमूत्र में 3 ग्राम हरड़ का चूर्ण डाल कर लो, पेट ठीक रहेगा, कब्ज जात से बचाव हो जाएगा। अथवा कोष्ठ शुद्धि नाम की गोली है इधर, उसको लेने से भी पेट की तकलीफें ठीक हो जाएगी, तो शरीर तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में भगवत प्रसाद जागुण आ जाए।